सर मैं डेली क्रोम का यूज़ करती हूँ, तो बहुत सारे टैब है ओपन रहते हैं, तो इससे वो मेरे लैपटॉप का स्पीड है वो स्लो हो जाता है। बट यूट्यूब के वीडियो में कभी कभार बड़े बड़े कोड्स आ जाते हैं और वो मुझे कोड्स चाहिए होते हैं, तो मैं वीडियो में से कोड कैसे कॉपी कर सकता हूँ? ऐसे में क्या होता है, कभी कभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और जो एक्चुअल मेरा वीडियो जिसके लिए मैं यूट्यूब पे आया था उसको छोड़ के वो सारे अननेसेसरी वीडियोस पे मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हो तो मैं आज आपको सात ऐसे प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ जो आप कंप्यूटर में काम करते वक्त कभी ना कभी फेस कर चुके होंगे। और ये सातों प्रॉब्लम मेरे ऑफिस के जो स्टाफ है, मेरे बंदे हैं, उनके हैं, और एक एक करके सबको भी ये प्रॉब्लम मैं पूछूंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और इन सबका सॉल्यूशंस बेसिकली अलग अलग क्रोम एक्सटेंशन से, जी हाँ दोस्तों, तो क्रोम एक्सटेंशन की मदद से इनके प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूँ। और कौन से वो क्रोम एक्सटेंशन है जो आपके कंप्यूटर में भी होने चाहिए वो जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई ये वीडियो एंड तक देखिए। चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ है हमारे आरजे सर, और आरजे सर को मैं पूछना चाहूँगा आपका क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा जो प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं यूट्यूब पे कोई लर्निंग या ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियोस देखता हूँ तो राइट हैंड साइड पे ढेर सारे रिकमेंडेड और अननेसेसरी वीडियोस आ जाते हैं। राइट तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और जो एक्चुअल मेरा वीडियो जिसके लिए मैं यूट्यूब पे आया था उसको छोड़ के वो सारे अननेसेसरी वीडियोस पे मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो ये मेरे लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग रहता है। राइट, ग्रेट। सो आपने प्रॉब्लम जान लिया दोस्तों, इनका प्रॉब्लम है कि भाई ये डिस्ट्रैक्ट होता है, ये कंटेंट देखना एक होता है, वहाँ पे तो वीडियो ओपन करके रखा है लेकिन साइड में जो सजेशन भी यूट्यूब देता है, बेसिकली ये प्लेटफॉर्म बनाए उसके लिए, राइट, तो आपको वहाँ पे एंगेज वो खींचा जाता है कि भाई यहाँ पे ये थंबनेल है, वहाँ पे वो थंबनेल है, तो ऐसे में आपको ये क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करना चाहिए आपके ब्राउज़र में अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है। तो अनूक नाम का एक क्रोम एक्सटेंशन है जो आप सर्च कर सकते हैं एक्सटेंशन में जाकर, और उसे आपको इंस्टॉल करना है, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, जैसे आप क्लिक करोगे फिर उसके बाद ऐड टू क्रोम बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और इस एक्सटेंशन को इनेबल कर दीजिए। जैसे आप इनेबल करोगे, एक्टिव करोगे, तो आप देख पाओगे इस एक्सटेंशन में बस आप वही वीडियो देख पा रहे हो जो वीडियो आपको देखना है, बाकी के सारे सजेशन गायब, मतलब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो भाई डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एक अच्छा खासा एक्सटेंशन है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो दोस्तों अब मैं आया हूँ दूसरे बंदे की तरफ, बंदा नहीं ये बंदी है, सॉरी, तो इनको मैं पूछना चाहूँगा, सारिका जी आपका प्रॉब्लम क्या है? सर मैं डेली क्रोम का यूज़ करती हूँ, तो बहुत सारे टैब है ओपन रहते हैं, तो इससे वो मेरे लैपटॉप का स्पीड है वो स्लो हो जाता है। ओके, तो प्रॉब्लम समझ में आ गया है मुझे, अब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, आपको भी बताता हूँ, इनको भी बताता हूँ। बेसिकली क्रोम ब्राउजर पे जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे टैब मैं भी ओपन रखता हूँ पर्सनली, और बहुत सारे टैब ओपन होने से क्या होता है भाई, रैम ज़्यादा यूटिलाइज होता है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है, तो उसके लिए करना क्या है, सिंपल है भाई, आप ये वन टैब नाम का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिए। वन टैब नाम का एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या फिर आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं क्रोम एक्सटेंशन में, और जब आप इस एक्सटेंशन को ऐड टू क्रोम करोगे उसके बाद इसे इनेबल करोगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पे सारे टैब आपके इस पेज पे आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप इस टैब को यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं, मतलब आप जो टैब को ओपन करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए और वो ओपन हो जाएगा ऐसे अलग से विंडो में, और अगर आप सारे टैब दोबारा रिस्टोर करना चाहते हो तो यहाँ पे रिस्टोर ऑल बटन भी इस पेज पे दिया गया रहता है, तो ये काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है। अगेन आपके सारे के सारे जितने भी टैब आपने ओपन किए वो एक पेज पे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे एंड आपका रैम यूटिलाइजेशन भी कम होगा, राइट। सो दिस वॉज एक्सटेंशन नंबर टू, और ये अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे, फिर उसका एक्सटेंशन भी मैं बताऊँ, तो चलिए ऑफिस में तीसरे बंदे की तरफ चलते हैं। तो अब तीसरा क्रोम एक्सटेंशन बताने से पहले भाई प्रॉब्लम क्या है जानते हैं जिग्नेश जी से। जिग्नेश जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? सर मुझे ना दिन भर में बहुत से मेल राइटिंग करने होते हैं, तो उसमें ग्रामर के मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होते हैं, तो उसको मैं कैसे सुधारूं? ओके, गॉट इट। तो दोस्तों भाई इनकी प्रॉब्लम है कि भाई ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत होती है ईमेल राइटिंग में। अगर आप भी ईमेल राइटिंग करते होंगे, कंटेंट राइटिंग करते होंगे, आर्टिकल लिखते होंगे, सोशल मीडिया पोस्ट लिखते होंगे, तो भाई ऐसे में ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, जाहिर सी बात है इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज है तो होगी, तो उसको सुधारने के लिए भाई ग्रामरली नाम का एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन आप ऐड कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी सिंपल। अगेन करना क्या है भाई, बस ग्रामरली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, या फिर आप क्रोम एक्सटेंशन में जहाँ पे सारे के सारे एक्सटेंशन दिखाई देते हैं वहाँ पे ग्रामरली सर्च करो और ऐड टू क्रोम करो, उसके बाद इसे इनेबल करो और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करो, वी आपको ऑटोमेटिकली स्पेलिंग सजेस्ट कर लेता है या ग्रामेटिकल मिस्टेक भी सजेस्ट कर लेता है और करेक्ट भी कर लेता है कि भाई ये चीज़ें आपकी यहाँ पे चेंज होनी चाहिए, ग्रामर ऐसा होना चाहिए और स्पेलिंग ऐसे होनी चाहिए। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसे ज़रूर इस्तेमाल करके देख लीजिए ग्रामरली ये एक्सटेंशन। अब बढ़ते हैं एक्सटेंशन नंबर फोर की तरफ। तो अब नेक्स्ट एक्सटेंशन बताने से पहले प्रॉब्लम सुन लेते हैं सागर जी से, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? सर मैं एक कंटेंट राइटर हूँ और मुझे दिन भर में बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ना होता है, तो पढ़ते पढ़ते अक्सर ऐसा होता है कि मैं थक जाता हूँ, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं आर्टिकल्स को पढ़ने के बजाय सुन पाऊँ?
ऑफकोर्स है, और उसके लिए आपको एक क्रोम एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि यार मैं वेबसाइट विजिट कर चुका हूँ, वहाँ पे पढ़ने के लिए मुझे घंटा आ चुका है, तो भी आप ये क्रोम एक्सटेंशन डालो जिसका नाम है रीडमी। उसके लिए करना क्या है, बस आपको इसे ऐड टू क्रोम करना है, इसे इनेबल करना है, और ये क्रोम एक्सटेंशन आप जिस भी पर्टिकुलर पेज पे हो उस पेज के अंदर के कॉन्टेंट को पढ़ना शुरू कर देगा आपके लिए। बहुत ही बेखूबी से आप सुन सकते हैं आराम से। भूषण जी हमारे साथ है, भूषण जी आपका क्या प्रॉब्लम बताइए। सर एक्चुअली मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ और बहुत सारे वीडियो जो है वो यूट्यूब से सीख रहा हूँ, बट यूट्यूब के वीडियो में कभी कभार बड़े बड़े कोड्स आ जाते हैं और वो मुझे कोड्स चाहिए होते, तो मैं वीडियो में से कोड कैसे कॉपी कर सकता हूँ? ओके, यू मीन टू से वीडियो में जो आई नोट्स है, कोडिंग है, वो आपको कॉपी करनी है? राइट, एग्जैक्टली ये आपका भी सवाल हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि यार यहाँ पे जो इमेज में या वीडियो में दिखाए गए कंटेंट में जो भी टेक्स्ट है वो कॉपी कर ले, तो आप उसे कर सकते हैं आसानी से कॉपी इस एक्सटेंशन की मदद से। एक्सटेंशन का नाम है स्क्रीनशॉट टू टेक्स्ट OCR इमेज टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर, और उसे आप ऐड कर लीजिए आपके ऐड टू क्रोम में। नीचे हमने लिंक दी है, और जैसे आप इसे ऐड टू क्रोम कर लेते, इसे इनेबल करेंगे, तो भाई आप इससे जैसे स्क्रीनशॉट लेते उस तरह से आप इसे ड्रैग कर लीजिए, और इस पर्टिकुलर वीडियो में जितने भी कंटेंट है, मतलब आपने वीडियो जहाँ पे पॉज किया है जिस उस स्क्रीन पे जो भी कंटेंट है, जो भी कोड है, वो यहाँ पे कॉपी हो जाता है, और फिर आप नोटपैड वगैरह स्टार्ट कीजिए और उसमें ये कंटेंट आप पेस्ट कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सटेंशन है, जब कभी भी इमेज के अंदर कोई टेक्स्ट होता है या वीडियो के अंदर कोई टेक्स्ट है, तो वीडियो को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पॉज करके आप इस एक्सटेंशन की मदद से बेसिकली उसके कोड या नोट्स वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, तो काफ़ी यूजफुल है ये भी आपके लिए। अब बढ़ते हैं एक्सटेंशन नंबर 6 की तरफ। तो अब नेक्स्ट एक्सटेंशन को जानने से पहले प्रॉब्लम जानते हैं मनाली जी से। सर मैं डेली वेबसाइट पे कंटेंट पढ़ती रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी एड्स दिखाई देते हैं, तो उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। ओके, तो भाई ये आपके साथ भी होता होगा, भाई वेबसाइट या ब्लॉग पे जब आप कंटेंट पढ़ते हो तो उस टाइम पे एड्स बहुत आती साइड में, तो इसके लिए क्लियरली रीडर ये एक्सटेंशन यूज़ करो ना, बस इसे ऐड टू क्रोम करो और उसके बाद इसे इनेबल करने के बाद आप देख पाओगे जो पहले एड्स दिख रहे थे वो सारे के सारे यहाँ पे गायब हो जाते हैं, और मतलब पढ़ने के लिए कंटेंट एकदम प्रॉपर आ जाते हैं, एड्स भी गायब हो जाते हैं। इवन इसके लिए एक और मतलब बोनस के तौर पे एड ब्लॉकर का एक क्रोम एक्सटेंशन भी मैं डाल देता हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगी, उसे भी इस्तेमाल करके आप ऐड को छूमंतर कर सकते हैं, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब बढ़ते हैं हम अपनी आखिरी एक्सटेंशन की तरफ, भाई ये भी काफ़ी यूजफुल है, तो चलिए पहले प्रॉब्लम जानते हैं इसका। तो चलिए अब नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ बढ़ने से पहले प्रॉब्लम थे से जान लेते हैं। सातवां एक्सटेंशन है हमारा, और मैं आसिफ सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आपकी प्रॉब्लम बताइए क्या है। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं स्टूडेंट्स के रिमोटली डाउट सॉल्व करता हूँ ऑनलाइन, तो उस टाइम पे मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ वो है एनीडेस्क। वो बार बार क्या करता है, स्लो चलता है, कभी कनेक्ट नहीं होता है, तो ये मेरा प्रॉब्लम है, तो इसका कोई सॉल्यूशन है? यस ऑफ कोर्स है, इसका भी सॉल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, तो इनका प्रॉब्लम इन्होंने बता दिया कि भाई ये रिमोटली स्टूडेंट का पीसी एक्सेस करते हैं, उनके डाउट सॉल्व करते हैं, और आप भी ऐसा करते होंगे, आपके क्लाइंट्स के वगैरह रिमोटली पीसी एक्सेस करते होंगे, तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आती है एनीडेस्क के साथ। तो क्रोम का एक्सटेंशन है क्रोम डेस्कटॉप, क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो वो जो डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया उसकी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, भाई उसे अगर आप देखना चाहते कि भाई ये क्रोम रिमोट डेस्कटॉप कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि उसे यूज़ करना आपको सीखना चाहिए, तो उसका वीडियो मिल जाएगा। और ये बहुत ही ऐड टू क्रोम करना है, बहुत ही आसान है, उसके बाद आप अपनी स्क्रीन किसी के साथ शेयर कर सकते, किसी की स्क्रीन भी एक्सेस कर सकते, तो अगर आप इंटरेस्टेड तो ज़रूर वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो देता हूँ, आई बटन पर भी लिंक देता हूँ, ज़रूर चेकआउट कीजिए। और फिलहाल मुझे बताइए कि भाई ये जो सात एक्सटेंशन मैंने बताया, ऐड कर दिया सात एक्सटेंशन जो मैंने आपको बताया, वो कैसे लगे ज़रूर बता देना, और सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही में मैं बताऊंगा अगर आप ऑनलाइन चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट रखते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोर्सेज वगैरह की लिंक अवेलेबल है, जाकर चेक कर लीजिए। फिलहाल तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर चैनल पर नए हो और इस तरह के कॉन्टेंट आप सीखना पसंद करते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सीखते रहना, सिखाते रहना। बाय बाय।